Then you will write case one in case of minor arc PQ. Angle POQ is twice of angle PAQ. This you have to write. Then second part you will write case second in case of when arc PQ is semicircle. See, the figure is made in your book also. मतलब कहते कि जैसे अभी तो क्या था, जो PQ arc थी वो कैसी थी? Minor arc. अगर suppose ये center है और P यहाँ है और ये यहाँ है, अब PO PQ ने ये एंगल बनाया सेंटर में, तो इफ दिस P एंड Q पॉइंट आर ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ये जो PQ आर्क है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेमी सर्कल. यू कैन सी दिस इज अ सेमी सर्कल. इन केस ऑफ सेमी सर्कल आल्सो एंगल POQ इज twice of angle PAQ. मतलब अगर ये सेंटर है, अगर ये एंगल सपोज कितना हुआ, ये स्ट्रेट लाइन से ये एंगल कितना बनता है 180, तो ये एंगल कितना होगा 90, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से ये एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली 90 होगा, कि ये क्योंकि ये इधर भी 180 है, उधर भी 180 है. समझ आ गई? सो सेकेंड केस इज दिस. इसके बाद ये लिखना है, ठीक है ना, हर केस में. इन केस व्हेन आर्क PQ इज सेमी सर्कल, देन आल्सो एंगल POQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ. थर्ड केस, इन केस व्हेन आर्क PQ इज मेजर आर्क, व्हेन आर्क PQ इज मेजर आर्क. देखिए इधर, मेजर आर्क मतलब जैसे मान लो ये ऊपर ये सेंटर है, ये P, ये Q. अब ये आर्क कैसी है, ये वाली मेजर आर्क, ये माइनर है, लेकिन ये वाली आर्क कैसी है, मेजर आर्क. अब इस मेजर आर्क ने ये एंगल बनाया कौन सा, और दिस इज द पॉइंट एट द सर्कल पी ए. नाउ थर्ड पार्ट, व्हेन आर्क PQ is major arc, then you will write that reflex angle POQ is twice of angle PA. अब ये angle reflex वाला, इससे क्या होगा, double. मान लो ये 30 है, तो ये वाला एंगल 60 नहीं होगा. कौन सा एंगल 60 होगा, ये रिफ्लेक्स, बिकॉज यू विल सी दैट दिस इज द सेंटर एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेंटर दिस आर्क इज द मेजर आर्क. सो इफ दिस एंगल इज 30, देन विच एंगल इज डबल, दिस वन, दिस रिफ्लेक्स एंगल POQ, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. आई होप माई पॉइंट इज क्लियर. And those who are in contact with your classmates, beta, ask them to attend the class. I have called a few. I will call more students also. And finally, we have to give the names to the principal, ma'am. आपके जो friends हैं उनको सबको intimate कर देना. I am not sending the written order right now. ठीक है? वो भी भेजेंगे जब हमें order आएगा ma'am की तरफ से. जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको बोल दो बिफोर द स्ट्रिक्ट एक्शन इज टू बी टेकन स्टार्ट अटेंडिंग द क्लासेस, अदरवाइज दे हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस.
So I hope this is clear. Any doubt to anyone? So therefore, there are three type of cases in degree measure theorem: minor arc, when the arc is semicircle, and when arc is the major arc. All this you have to write in your fear notebook. ठीक है, figures are made in your book also. वो center में जो join किया हुआ है ना, वो proof करने के लिए join किया हुआ है. अब हमने proof नहीं करना तो फिर जरूरत नहीं है join करने की. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के ये प्रूफ होता था, लेकिन अब प्रूफ है ही नहीं तो फिर उसकी जरूरत नहीं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए थ्योरम 10.9. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन. For angles in the same segment of a circle are equal. This also you have to write in fear. इसमें इसका मतलब क्या है समझो. Suppose ये है P angle, sorry P point and Q point. Like इसको join कर देते हैं. This is one segment and this is the another segment. Suppose this PQ arc is making this angle at here PAQ. And this is making this angle also PBQ. ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्वाइन किया है, बट ये एंगल कौन बना रहा है? नॉट PQ कॉर्ड नहीं बना रही, PQ आर्क. दिस आर्क यहां से समझ आ रहा है आपको? दिस इज वन सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एंड दिस फुल अदर वन इज द मेजर सेगमेंट. नाउ दिस आर्क arc PQ is making angle PAQ here in this segment, and the same arc is making angle PBQ in the same segment. अब हमारी थ्योरम क्या कहती है? That the same arc PQ is making these two angles, so therefore angle PAQ is equal to angle PBQ. Angles in the same segment are equal. अगर ऐसे होता, यहां ऐसे, sorry, ये ऐसे और यही इधर बना रही होती, तो ये नीचे वाले angles भी क्या होते? Equal. Same, अगर कोई arc, वही arc दो angles बना रही है in the same segment, then they are equal. So you can make this figure and you have to write this so you can get, so you understand when you revise. Angles in the same segment are equal. Question आते होते हैं, ये angle given है, ये कितना है? तो अगर आपको ये theorem का पता होगा तभी आप बता सकते हो ये angle कितना है, otherwise कोई और way out नहीं है इस angle को निकालने का. So theorem 10.9 also you have to write in your fair notebook. Then बेटा before theorem 10.10 ऊपर एक line लिखी हुई है, देखो. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करके लिख लेना नोट या पॉइंट या थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको. एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल. कहते हैं कि अगर एक सेमी सर्कल है जैसे ये, इसमें कोई भी एंगल बनता है. अभी आपको बताया था ना डिग्री मेजर थ्योरम में सेकेंड केस में कि ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री. एंगल इन द सेमी सर्कल, कोई भी सेमी, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, इस लाइन से जो भी एंगल बनेगा, चाहे इधर बन जाए, चाहे या ऐसे बनाए, चाहे इधर बनाए, वो क्या होगा? हमेशा 90. एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ओके, सो ऑल दिस थ्री थ्योरम्स विद द फिगर यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक. आप बाकी कल करेंगे, अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कल स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी, कुछ पूछना है? चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर.